हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। तो उसके लिए देखिए, हमने ये दाल और राजमा लिया है। तो राजमा हमने रात भर के लिए भिगा दिया है। और ये उड़द की दाल है, छिलके वाली। और उसके बाद हमने ये मसाले लिए हैं। तो उसमें हमने ये प्याज लिया है, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। ये चार प्याज है छोटे। ये टमाटर का प्यूरी है, चार टमाटर की प्यूरी है ये। ये बटर है, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर, और ये जीरा, और ये हींग, और ये देसी घी है। तो इसको हम देसी घी में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दाल और राजमा को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। राजमा हमने रात भर के भिगाया था, रात भर। तो इसको हम पहले भिगा लेंगे। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ये हमने कुकर लिया है। तो कुकर में इसको हम डाल के, इसमें पानी हम और डालेंगे थोड़ा। और इसको हम नमक डाल करके इसको हम पकने के लिए चढ़ा दे रहे हैं, ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसमें हम ये नमक डाल दे रहे हैं थोड़ा सा, और इसको हम चढ़ा दे रहे हैं पकने के लिए। ये देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक दाल पक रही है, तब तक हम अपने मसाले भूनेंगे। तो इसमें हम ये घी डाल रहे हैं। तो 2 चम्मच हमने घी लिया है। आप इसे ऑयल में भी बना सकती हैं, पर हम इसे घी में बना रहे हैं। घी इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। और देखिए, घी गर्म हो गया है। तब हम इसमें ये जीरा और हींग डाल देंगे। तो देखिए, घी गर्म हो चुका है। तो हम इसमें ये जीरा और हींग डाल दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहती तो आप स्किप कर सकती हैं। जीरा अच्छे से चटक जाए तो हम इसमें प्याज भूनेंगे। ये प्याज जब तक गोल्डन हो रहे हैं, इनको हम गोल्डन होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भून रहे हैं। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये हमने 2 चम्मच लिया है भर के। हम इसको भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ये टमाटो प्यूरी डालेंगे, इसको हमने पीस के रखा था। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, जब तक कि ये किनारे से घी नहीं छोड़ दे रहा, तब तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए, टमाटर अच्छे से भून गया। इसमें देखिए, घी भी छोड़ दिया इसने साइड साइड से। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो हम ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने पहले दाल में भी नमक डाल रखा है। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ये जो हमने दाल बनाई थी, तो दाल हम डालेंगे। तो देखिए, दाल और राजमा अच्छे से पक चुके हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखिए, दाल एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और राजमा भी देखिए फूल चुके हैं। देखिए, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ये फ्रेश क्रीम डालेंगे। सॉरी, हम बताना भूल गए थे। तो ये हमने मलाई ली है, उसको अच्छे से मिक्स करके तब डाला है। तो हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकती हैं, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए, बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ये लाल मिर्च जो हमने ले रखी थी, वो हम डालेंगे। और इसको हम बस गैस ऑफ करके इसको मिक्स कर देंगे। इसको हम दाल में डालेंगे। देखिए, बटर जो हमने पिघलाया था, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे
अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दाल मखनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए तो हमने गैस ऑफ कर दी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाने में बहुत अच्छी होती है। ये देखिए ये दाल मखनी बनके तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, आप इसे रोटी चावल किसी से भी खाइए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।